नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं, एड़ी और तलवों में हो रहा है दर्द तो कौन से उपाय अपनाने चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, इससे कैसे निजात पाएंगे घरेलू औषधियों के द्वारा, यही आज का एपिसोड है। पूरा एपिसोड आप सभी अवश्य देखा कीजिए ताकि पूर्ण जानकारी मिले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी जीवन से जुड़ी हुई नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पैरों और तलवों में दर्द के कई कारण आपके हो सकते हैं, इनका इलाज कैसे करेंगे। आमतौर पर ज़्यादा चलने, दौड़ने, डांस करने या गलत साइज के जूते पहनने के कारण तलवों में दर्द की समस्या होती है। इसके अलावा कई बार नसों में खिंचाव या पैरों को दबा करके बैठने से भी पैर और तलवों में दर्द हो सकता है। इस तरह के दर्द के कारण आपको अपने रोजमर्रा के कामों में परेशानी होती है और कई बार चलने और बैठने में भी दिक्कत महसूस होती है। तो आइए आज के एपिसोड के माध्यम से घरेलू औषधियों के द्वारा तलवों को आराम पहुंचाने की विधि जानती हैं। कैसे करें बॉटल मसाज? जी हाँ, बॉटल मसाज बहुत फायदेमंद है, इसमें जानते हैं कैसे करते हैं। तलवों में दर्द या सूजन की समस्या से परेशान लोगों के लिए बॉटल मसाज थेरेपी काफ़ी उपयोगी होती है। इसके लिए आपको प्लास्टिक की बोतल में 1/3 पानी भर करके फ्रीजर में जमने के लिए रखना होगा। बोतल में जब बर्फ जम जाए तो उसे बाहर निकालिए और आसपास का पानी पोंछ दीजिए। फिर बोतल को एक सूखे टॉवेल यानी कि कपड़े या डोरमैट पर रख दीजिए। इसके बाद कुर्सी या सोफे पर बैठ जाइए और पैरों के तलवों के बीच वाले हिस्से को बोतल पर रखिए एवं बोतल को तलवों की सहायता से आगे पीछे घुमाइए। इससे आपके तलवों में रक्त संचार होगा और मांसपेशियों की हल्की मसाज भी होगी। इस प्रयोग को 10 से 15 मिनट तक आप कर सकते हैं, आप खुद ब खुद इसका फर्क देखने लगेंगे कि आपको होने लगा है लाभ इसका। इसके बाद जो दूसरी विधि है इसके लिए वो है हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी। जी हाँ, पैरों के तलवों में दर्द को दूर करने के लिए हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी बेस्ट होती है। 2 बाल्टी में पानी भर लेना है आपको, एक में ठंडा और दूसरे में गुनगुना। पहले पैरों को गुनगुने पानी में 3 मिनट के लिए डालना है और फिर इसके बाद पैरों को ठंडे पानी में 3 मिनट के लिए डालना है। लगातार इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब जानते हैं अगला प्रयोग, सेंधा नमक की सेंक। जी हाँ, सेंधा नमक एक और प्रभावी घरेलू उपाय है जो पैरों के दर्द से तत्काल आपको राहत प्रदान करने में मदद करता है। गर्म पानी के एक टब में 2 से 3 बड़े चम्मच सेंधा नमक के मिला करके इसमें अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए डाल लें, फिर अपने पैरों को ड्राइनेस से बचाने के लिए उन पर मॉइस्चराइजर लगा लें। इसके बाद अगला उपाय जानिए, तेल से मसाज करें। जी हाँ, तेल के मसाज से न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है बल्कि सूजन भी कम होती है। दर्द वाली जगह पर हल्के हाथ से तेल का मसाज करें, ऐसा करने से मांसपेशियों में रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है और मांसपेशियों को गर्मी मिलती है तथा ये दर्द पैदा करने वाले लैक्टिक एसिड को दूर करता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के तेल जैसे ओलिव पाइन, लेवेंडर, नारियल, अदरक या फिर पिपरमेंट के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बर्फ की सिकाई भी बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, आइस थेरेपी भी दर्द और पैरों की सूजन को कम करने का एक प्रभावी तरीका होता है। एक छोटे से प्लास्टिक की थैली में कुचले बर्फ के कुछ टुकड़े डाल लें और दर्द को दूर करने के लिए सर्कुलर मोशन में प्रभावित हिस्से की मालिश के लिए उपयोग करें। इससे सूजन को कम करने में आपको मदद मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें कि आइस पैक का उपयोग एक समय में 10 मिनट से अधिक तक नहीं करना चाहिए क्योंकि यह त्वचा और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए एक बार में 10 मिनट तक इसका प्रयोग करें, फिर इसके बाद रोक दें। इसके बाद आप थोड़ी देर बाद आप इसको दोहरा सकते हैं जब आपका ब्लड सामान्य हो जाए। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँच पाए। और ये तभी संभव है जब आप सभी लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये पावर तो सिर्फ आपके हाथ में है ना, तो कर दीजिए। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।